दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो है कुछ YouTube चैनल्स ने जो है खान सर को एक्सपोज करने की कोशिश करी थी। उन्होंने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी थी उनके अगेंस्ट, ये बोल के कि खान सर का जो असली नाम है वो खान नहीं है बल्कि कुछ और नाम है उनका, और जो है वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ाते हैं। अब इसी चीज के ऊपर जो है दोस्तों खान सर का अपना खुद का एक रिएक्शन आया है जिसमें उन्होंने इस पूरी फेक न्यूज को एक्सपोज किया है। तो उस वीडियो में से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए खान सर क्या बोल रहे हैं इस चीज के बारे में। चांद इतनी अच्छी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब, उसका भी तो पूरा नहीं नाम पता होता, लेकिन जब हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना ISBN नंबर, तो उसमें हम बताते हैं यार वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए ना जिसे बताने के लिए। ये लोगो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोगो का अपना, तो वहां पे भी हमको आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे रहा था, उस सब में खान है। यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। और ये सब भाई साहब ये भड़क गए, इनका कहना है कि हमने क्यों फिलिस्तीन का साथ दिया। भाई साहब इनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया। अब मुसलमान लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दिए, और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिए। भैया ये आपस में है, आप उसको गौर से सुनिए, हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वही बताया है। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है, यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे CRPF के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने, काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था, अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेन पे जाता तब समझ में आता, काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें। आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें। हम हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से POK पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी